नमस्कार, मैं प्रिया। आज 21 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज समूचे देश में मनाया जाएगा योग दिवस। बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी सरकार। इंटर में नामांकन के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। बिहार में बगैर पहचान पत्र दिखाए भी मिलेगी वैक्सीन। खान एवं भूतत्व मंत्री ने माइन मिनरल्स के लिए नई पॉलिसी बनाने की कही बात। बिहार में COVID-19 के मिले 300 से कम मामले। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज समूचे देश में मनाया जाएगा योग दिवस। दुनिया भर में हर साल आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मानव सभ्यता की शुरुआत से ही योग किया जाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। हालांकि COVID-19 के कारण पिछले साल की तरह इस साल भी इसे ज्यादा से ज्यादा डिजिटल, वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक मंच के माध्यम से ही आयोजित किया जाएगा। हर साल नए थीम के साथ योग दिवस का आयोजन करवाया जाता है। इसी क्रम में स्वास्थ्य के लिए योग फॉर वेलनेस इस बार का थीम रखा गया है। मान्यता के अनुसार योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले धर्म और आस्था के जन्म लेने में से भी काफी पहले हो गई थी। बिहार में COVID-19 के मिले 300 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 294 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 3188 पर पहुंच गई। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 17, अरवल में 4, औरंगाबाद में 1, बांका में 1, बेगूसराय में 6, भागलपुर में 1, भोजपुर में 4, दरभंगा में 19, ईस्ट चंपारण में 14, गया में 2, गोपालगंज में 15, जमुई में 2, जहानाबाद में 1, कटिहार में 10, खगड़िया में 5, किशनगंज में 7, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 8, मधुबनी में 5, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 11, नालंदा में 3, नवादा में 1, पटना में 48, पूर्णिया में 16, रोहतास में 4, सहरसा में 23, समस्तीपुर में 9, सारण में 10, शेखपुरा में 3, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 5, सिवान में 3, सुपौल में 11, वैशाली में 16 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,06,662 सैंपल की जांच की गई। कुल मिलाकर 494 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। इंटर में नामांकन के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। स्कूल कॉलेज में इंटर के नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 28 जून तक छात्र ऑनलाइन आवेदन अब करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार हाई स्कूल में 14,14,000 के करीब छात्र पास हुए। आवेदन के बाद कट ऑफ के आधार पर एडमिशन लिया जाएगा। इसको लेकर बिहार बोर्ड की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत छात्रों को नामांकन करने के लिए 10वीं का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो साइन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होगा। बिहार बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इंटर में नामांकन के लिए ₹350 शुल्क निर्धारित किए गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय ही भुगतान करना होगा। इसके लिए छात्र नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन के लिए 6,102 वसुधा केंद्र का चयन किया है। बिहार में बगैर पहचान पत्र दिखाए भी मिलेगी वैक्सीन। अब वैक्सीन लेने के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी योजना बना रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से महीने में 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण अभियान 1 जुलाई से शुरू करने की तैयारी हो रही है। ऐसे में जिनके पास पहचान पत्र नहीं है वो भी टीकाकरण से वंचित नहीं रखे जाएंगे। इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए विभाग ने जिलों की टास्क फोर्स को सक्रिय कर दिया है। टास्क फोर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने जिलों में 18 साल से अधिक आयु के वैसे लोगों की पहचान करें जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। इस काम में अल्पसंख्यक कल्याण, सामाजिक न्याय और समाज कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं से मदद देने की सहूलियत भी टास्क फोर्स को दी गई है। 28 जून से गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का होगा परिचालन। 28 जून से पूर्वोत्तर रेलवे के सिवान थावे कप्तानगंज रेलखंड पर चलने वाली गोरखपुर पाटलिपुत्र विशेष दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन होने वाला है। COVID-19 के चलते इस ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया था, जिससे रेल यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस बीच अब COVID-19 का कहर थमने के बाद एक बार फिर से ट्रेनों की रफ्तार पकड़ने लगी है। रेलवे प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 05079 पाटलिपुत्र गोरखपुर, गाड़ी संख्या 05080 गोरखपुर पाटलिपुत्र का परिचालन 28 जून से शुरू होने वाला है। इस ट्रेन के सभी कोच अनारक्षित रखे जाएंगे। इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को COVID-19 के मानकों का पालन भी करना होगा। इसके साथ ही आरा सासाराम रेलखंड पर 27 जून से आरा रांची एक्सप्रेस का परिचालन फिर से शुरू हो जाएगा, जिसके बाद भोजपुर से झारखंड आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अनिल अग्रवाल की। अनिल अग्रवाल का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 24 जनवरी 1954 को हुआ था। अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष है। वो वोल्कन इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से वेदांता रिसोर्सेज को नियंत्रित करते हैं, जो व्यापार में 100% हिस्सेदारी के साथ एक होल्डिंग वाहन है। 1970 के दशक में के मध्य में उन्होंने स्क्रैप धातु में व्यापार करना शुरू किया। इसे अन्य राज्यों में केबल कंपनियों से एकत्र किया और इसे मुंबई में बेच दिया गया। 1976 में अनिल अग्रवाल ने बैंक ऋण के साथ अन्य उत्पादों के साथ तांबे के निर्माता शमशेर स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण किया। अगले 10 साल तक उन्होंने दोनों व्यवसायों को चलाया। 1986 में उन्होंने जेली से भरे केबल बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित किया, जिससे स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ। बिहार के सरकारी स्कूल में आज से बटेगा 3 महीने का अनाज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूल में आज खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। मिली जानकारी के अनुसार आज से छात्रों के अभिभावकों को एक साथ 3 महीने का भोजन दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और मध्याह्न भोजन योजना के डीपीओ को पत्र भेज दिया गया है। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि आज से एक साथ मार्च, अप्रैल और मई महीने का खाद्यान्न अभिभावकों के बीच वितरित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि कोविड-19 संक्रमण के कारण शैक्षणिक संस्थान बंद है, इस वजह से मध्याह्न भोजन योजना का संचालन भी बंद है। आने वाले 2 दिनों तक बारिश से कोई राहत नहीं। बिहार में मॉनसून के दस्तक देने के साथ ही बारिश फिलहाल थमती नजर नहीं आने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अगले 2 दिनों में सूबे में सभी जिलों में जोरदार बारिश होने की संभावना जताई गई, जिसके तहत ही विभाग की तरफ से सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में प्रत्येक हिस्से में शनिवार को हल्की और मध्यम बारिश देखने को मिली है। बताया गया है कि बिहार की राजधानी पटना सहित सूबे में अगले 2 दिनों तक यही स्थिति देखने को मिल सकती है। रविवार के लिए उत्तर पश्चिम बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे सूबे में अगले 2 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी सरकार। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद SDM, BDO और CO के 35% पदों पर महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का फैसला लिया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया और इस बात की जानकारी मांगी गई कि वर्तमान में CO के पद पर कितनी महिलाएं कार्यरत है। इसको लेकर 1 जुलाई को विकास आयुक्त समीक्षा करने वाले हैं। राज्य में 534 अंचल है, जिसमें 35 महिला अंचलाधिकारी का मानक पूरा करने के लिए 186 अंचलों में महिला पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सभी जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की भागीदारी 35% करने का निर्णय लिया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों को बिहार भाजपा ने दिया खास ऑफर। बीते दिन बिहार भाजपा की तरफ से पंचायत प्रतिनिधियों को खास ऑफर दिया गया है, जिसके तहत पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ ने जिला परिषद क्षेत्र, पंचायत समिति क्षेत्र, नगर निकाय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से सम्मानित कराने का ऐलान किया है। सम्मानित होने वाले के लिए यह शर्त है कि उन्हें घोषित करना होगा कि उनके क्षेत्र में संपूर्ण टीकाकरण हो गया है। जानकारों की माने तो सरकार की यह पहल बेहद ही खास है, क्योंकि बिहार सरकार का पंचायती राज विभाग इस बार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए टीकाकरण का प्रमाण पत्र अनिवार्य करने की तैयारी में है। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग सितंबर से दिसंबर के बीच पंचायत चुनाव आयोजन करवाने पर विचार विमर्श कर रहा है। 2022 के अप्रैल मई महीने नगर निकाय का कार्यालय भी पूरा हो जाएगा। खान एवं भूतत्व मंत्री ने माइन मिनरल्स के लिए नई पॉलिसी बनाने की कही बात। खान एवं भूतत्व विभाग मंत्री जनक राम ने बीते दिन अपना बयान जारी करते हुए कहा कि साल 2020-21 में 16,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, लेकिन इस पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। मॉनसून के बाद इसमें तेजी आने की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि माइन्स एंड मिनरल्स को लेकर सरकार नई रणनीति बनाने की तैयारी कर रही है, जल्द ही इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। वहीं अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि विभाग की तरफ से अवैध खनन रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। सीबीएसई का 10वीं और 12वीं के मार्क्स अपलोड करने के लिए तैयार किया गया पोर्टल। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण जहां एक तरफ 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी हो रही है। हालांकि बोर्ड ने इस दौरान दावा किया है कि छात्रों के परीक्षा परिणाम में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। इसको लेकर विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत सीबीएसई द्वारा 10वीं बोर्ड, 11वीं बोर्ड और 12वीं के अंक की गणना इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। इसकी तैयारी को लेकर बोर्ड ने स्कूल को अन्य बोर्ड से 10वीं करने वाले छात्रों के अंक तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद सोमवार से काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर लोगों में दिखा आक्रोश। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर पेट्रोल के दाम शतक के पार पहुंच चुके हैं, जिससे आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। बढ़ती कीमतों के कारण लोग भी काफी परेशान दिख रहे हैं, जिसके तहत ही अब लोगों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिलने लगी है। पेट्रोल की कीमत में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए ही जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता ने बीते दिन भैंस मार्च निकाला। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश भर में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर के पटना में पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंचता हुआ देख करके और डीजल की कीमत 93 के पार पहुंचता देख करके पटनावासियों में आक्रोश है। पटनावासियों की माने तो केंद्र सरकार मध्यम वर्ग के लोगों के साथ धोखा कर रही है, क्योंकि जब केंद्र में मोदी सरकार बनी थी उस समय कहा गया था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत काफी नीचे होगी। आज से खुल जाएगा पटना हाई कोर्ट। आज से पटना हाई कोर्ट को फिर से खोल दिया जाएगा। हालांकि ऑनलाइन माध्यम से ही सभी मामलों की सुनवाई होगी। वहीं आज से शुरू हुए पटना हाई कोर्ट में सिर्फ उन्हीं मामलों की सुनवाई की जाएगी जिसे ई फाइलिंग द्वारा दायर किया गया है। रोजाना 50 आपराधिक एवं 30 सिविल मामलों की सुनवाई होगी। ई फाइलिंग के द्वारा सभी मामलों को दाखिल करने के लिए कोर्ट फीस अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। कोरोना की पहली लहर खत्म होने के बाद हाईकोर्ट को कुछ दिनों के लिए फिजिकल माध्यम से बंद किया गया था। बिहार में तीसरी लहर को रोकने में मददगार बनेंगे फ्रंटलाइन वर्कर्स। बिहार में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को रोकने में फ्रंटलाइन वर्कर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यही कारण है कि सरकार ने पहले ही कोविड-19 का टीका लगाने के बाद प्रशिक्षण के जरिए इन्हें वॉरियर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, राज्य के 9 जिलों के 10 केंद्रों पर कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर के लिए एक सिस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम शुरू किया गया है। श्रम संसाधन मंत्री गिरीश कुमार ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है और बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा शुक्रवार को शुभारंभ के साथ ही बिहार में भी महत्वपूर्ण पहल शुरू हो गई है। बिहार झारखंड को स्वास्थ्य सुविधा की मिली सौगात। झारखंड के देवघर एम्स की ओपीडी के उद्घाटन की तारीख तय कर दी गई है। उद्घाटन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच सहमति बन गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जुड़ने वाले हैं, जिसके तहत 26 जून को वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किया जाएगा, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। ओपीडी चालू हो जाने से संताल परगाना के साथ गिरिडीह धनबाद सहित पूरे झारखंड और बिहार के भागलपुर जमुई बांका और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों के रोगियों को सुविधा मिलेगी। SIS के नाम से जुड़ी एक और उपलब्धि। कंपनी ने अपने नाम पर एक और नया कीर्तिमान दर्ज कर लिया है, जिसके तहत यह कंपनी आत्मनिर्भर राष्ट्र के क्षेत्र में काम कर रहे कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई है। आपको बता दें, SIS बिहार की सिंगल मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका शेयर बंबई स्टॉक एक्सचेंज में चलता है और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस पटना में मौजूद है। मिली जानकारी के अनुसार SIS में कुल कर्मचारियों की संख्या 2 लाख से भी ज्यादा है। साथ ही इसमें 32,000 बिहार युवा स्थायी तौर पर रोजगार पर है। प्रोविडेंट फंड रिकॉर्ड के आधार पर SIS बिहार के सबसे बड़ी निजी क्षेत्र के एम्प्लॉयड कंपनी है। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने UPVC मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का किया उद्घाटन। बीते दिन UPVC मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पटना के नजदीक होने के कारण नालंदा में उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। लोकप्रिय टूरिज्म डेस्टिनेशन होने की वजह से यहाँ रुझान ज्यादा है। उन्होंने जानकारी दी कि नालंदा में 528 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं, जिनमें से 428 करोड़ का निवेश प्रस्ताव इथेनॉल सेक्टर से जुड़ा है, जबकि अन्य फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और दूसरे उद्योगों के लिए प्रस्ताव है। हर जिले में उद्योगों के लिए प्रयास के साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के फॉर्मूले पर भी बारीकी से काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बिहार बिल्कुल नई उड़ान के लिए तैयार है, जो उद्योग का केंद्र बनेगा। पशुपति पारस ने चिराग पासवान की बैठक को बताया अवैध। चाचा भतीजे के बीच बटे लोजपा पार्टी में हर दिन बयानबाजियां देखने को मिल रही है। इसी क्रम में लोजपा के अध्यक्ष नियुक्त हुए पशुपति पारस ने चिराग पासवान को लेकर बीते दिन तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने चिराग पासवान की तरफ से बुलाई गई बैठक को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि चिराग को बैठक करने का कोई अधिकार ही नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से कुछ लोग चिराग की बैठक में शामिल हो गए हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पशुपति पारस ने दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती पर पटना में बड़े कार्यक्रम के आयोजन को लेकर घोषणा की। उन्होंने भी कहा कि इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। भारतीय टीम 217 रनों पर हुई ऑल आउट। भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन अपनी पहली पारी में 217 रनों का स्कोर बनाया, जिसके तहत टीम इंडिया के लिए उपकप्तान अजिंक्य रहाणे 117 गेंद पर 5 चौके की मदद से सर्वाधिक 49 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। उनके अलावा कप्तान विराट कोहली ने 132 गेंद में 1 चौके के सहारे 44 रन बनाए। वहीं खबर लिखे जाने तक न्यूजीलैंड की तरफ से 1 विकेट के नुकसान पर 94 रनों की पारी खेली गई थी।
बिहार में सुशील मोदी ने सुझाया टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का नया तरीका। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने को लेकर अपना सुझाव दिया है, जिसके तहत बीते दिन उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार में अगले 3 महीने तक 15 से 20 जिलों के अतिवृष्टि और बाढ़ से घिरे रहने के आसार है। इसलिए सरकार को विशेष रणनीति बनानी चाहिए। विपरीत मौसम के बावजूद टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो सके, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। ऐसे में लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बावजूद सरकार को टीकाकरण अभियान में न कोई ढिलाई देनी चाहिए और न ही जनता को मास्क, शारीरिक दूरी और स्वच्छता को देकर कोई लापरवाही बरतनी चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि तीसरी लहर के आने के पहले अधिक से अधिक लोगों को टीका लगवा लेना चाहिए, इसीलिए लोगों को स्वयं भी जागरूक होने की जरूरत है। 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे चिराग पासवान। लोजपा के दो गुट में बंटने के बाद चिराग पासवान ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर पार्टी की बैठक बुलाई थी। बैठक खत्म होने के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस बैठक में रामविलास पासवान को भारत रत्न देने और बिहार में उनकी एक बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई है। 5 जुलाई को मेरे पिताजी का जन्मदिन है। मेरे पिता और चाचा अब मेरे साथ नहीं है, इसलिए हमने जुलाई से हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला लिया है, जो कि बिहार के सभी जिलों से गुजरेगी। हम लोगों से और प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। इससे पहले चिराग पासवान ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की थी। मुलायम सिंह यादव की नातिन की शादी में शामिल होने सैफई पहुंचे तेजस्वी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते दिन उत्तर प्रदेश के सैफई स्थित मुलायम सिंह यादव के आवास पर पहुंचे, जहां तेजस्वी यादव ने अपने परिवार और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मुलायम सिंह यादव की नातिन दीपाली की शादी में हिस्सा लिया। तेजस्वी के अलावा यूपी और बिहार के कई बड़े नेता शादी में शामिल हुए और उन्होंने वरवधु को आशीर्वाद भी दिया। आपको बता दें, दीपाली सैफई के पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय रणवीर सिंह यादव की बेटी और पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव की बहन है। तेज प्रताप सिंह यादव का विवाह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी से हुआ है। इस नाते बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार की सुबह 10 बजे अपने परिवार के साथ दीपाली की शादी में शरीक होने पहुंचे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुलदल सेना ने 1576 में हल्दीघाटी की लड़ाई में राणा प्रताप सिंह को परास्त कर दिया। ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर लिंकन इन से वकालत की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय 1862 में बने। सी राजगोपालाचारी 1948 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई। मनमोहन सिंह 1999 में भारत के वित्त मंत्री बने। भारत की बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने 2009 में सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2012 में 11 सीमेंट कंपनियों को व्यापार संघ बनाकर कीमत का निर्धारण करने का दोषी ठहराते हुए 6000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक तथा व्यंग्यकार मुद्रा राक्षस का जन्म 1933 में हुआ। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 20 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,220 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,220 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 93.28 रुपए प्रति लीटर और डीजल 93.28 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है असलम राज, सुमन देवी, विकास चंचल, गुड्डूराज, आदर्श, अनुज, मिथुन कुमार बाबू, सनी कुमार, शबनम कुमार, मिथुन कुमार, शंकर मुखिया, जौहर हुसैन, विशाल कुमार, राजदीप कुमार, पांडव कुमार, सूरज कुमार, पूजा कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार को बिहार में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।